अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, पीके बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आज हम बनाएंगे जी मटन कलेजी। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलें ये सारा प्रोसीजर अभी आपको दिखाते हैं। तो ये जी 250 ग्राम हमारे पास जी है मटन की कलेजी। तो अभी हम इसमें डालेंगे जी नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें जी ये नमक आ गया, और ये आ गई जी हमारे पास काली मिर्च। थोड़ी सी जी डालेंगे काली मिर्च, अच्छे से करेंगे जी इसको मिक्स। देखें अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल सादा तरीके से बनाएगा जी पीके आज। अभी मसाला लग गया है जी, हाफ घंटे के लिए हम इसको रख देंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको फ्राई करेंगे। तो हल्का सा डालेंगे जी हम घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। तो अभी घी जी हमारा हो गया है गर्म, तो अभी हम कलेजी को फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह, तो एक साइड को अच्छे से पकने दें जी, उसके बाद फिर इसकी साइड चेंज करें। तो दोस्तों, जब भी कलेजी बनानी है तो हल्का सा सिरका डाल के इसको अच्छे से धो लें, उसके बाद मसाले लगाएं, और हाफ घंटे के रखने के बाद इंशाल्लाह इसको फौरी फ्राई कर दें। तो अभी एक साइड ये ओके हो गई है, तो अभी हम दूसरी साइड इसकी चेंज करेंगे। देखें अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी जी दूसरी साइड भी हमारी पक गई है, अभी थोड़ा सा उसको और टेम्परेचर देंगे, उसके बाद उतारेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी कलेजी हमारी रेडी है। तो अभी हम इसको निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी हमारी कलेजी बिल्कुल रेडी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें अंदर तक मसाला चला गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारी नरम मुलायम, ये देखें कितनी सॉफ्ट है जी। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत प्यारी बनती है जी कलेजी। तो दोस्तों अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसी के साथ अपने पीके भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।